प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है कि आप सही सलामत हैं। इबारत में आप कई मुश्किल अल्फाज से दो चार हुए होंगे। इस सबक में हम पहले इन मुश्किल अल्फाज का मतलब आपको बताएंगे, उसके बाद उनसे जुमले बनाएंगे। पहला लफ्ज है मुजस्समा। मुजस्समा यानी के बुत। अब आइए लफ्ज मुजस्समा से जुमला बनाते हैं। पोट्रीज में माहे दुला बोडेने का बड़ा मुजस्समा है। MGI के सहन में महात्मा गांधी का मुजस्समा है। एक मशहूर फनकार ने टैगोर का खूबसूरत मुजस्समा बनाया। क्या आप बता सकते हैं कि सुरमई का मतलब क्या है? सुरमई यानी के सुरमे के रंग का। अब सुरमई लफ्ज से जुमला बनाते हैं। शीला ने दिवाली के मौके पर सुरमई रंग की कुर्ती खरीदी। सुरमा सुरमई रंग का होता है। सुरमई शाम का मंजर बहुत ही दिलकश था। अगला लफ्ज है फुर्सत यानी के वक्त। जुमले की मिसालें देखिए। चूंकि अब्बा जान मसरूफ हैं, इसीलिए उन्हें हमारे साथ खेलने की फुर्सत नहीं है। अगर फुर्सत मिलेगी तो हम आपके यहाँ जरूर आएंगे। फुर्सत मिलते ही नौशाद दादी जान को बगातल ले जाएगा। अगले लफ्ज पर गौर कीजिए, वजीर आजम। वजीर आजम का मतलब है हुकूमत का सबसे बड़ा वजीर यानी प्राइम मिनिस्टर। अब लफ्ज वजीर आजम से जुमला बनाते हैं। वजीर आजम का अहदा संभालना आसान काम नहीं है। यौमे तकसीम इनामात के मौके पर वजीर आजम खुसूसी मेहमान थे। वजीर आजम ने रेडियो पर एक दिलचस्प तकरीर की। तालिब इल्म का मतलब क्या है बच्चों? इल्म तलब करने वाला जैसे के आप। लफ्ज तालिब इल्म से जुमला बनाते हैं। तालिब इल्मों को अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तालिब इल्मों ने इम्तिहान में अच्छी तरह से काम किया। स्कूल आने से पहले तालिब इल्मों को नाश्ता जरूर करना चाहिए। अगला लफ्ज काफी मुश्किल है। बड़े ओहदे पर फाइज होना मतलब है बड़ा ओहदा संभालना। मेरे वालिद एक बड़े ओहदे पर फाइज हैं, इसीलिए वो अक्सर देर से घर लौटते हैं। बड़े ओहदे पर फाइज होने की वजह से सलमा मगरूर हो गई। चूंकि सुहैल बड़े ओहदे पर फाइज है, वो गरीबों की खूब मदद करता है। बच्चों, अगला लफ्ज है सियासतदान यानी के जो सियासत करता है। अंग्रेजी में सियासतदान का मतलब है पॉलिटिशियन। जुमलों की मिसालें देखिए। अगर मैं सियासतदान बनूंगी तो यतीमों को सहारा दूंगी। सियासतदानों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। महफिल में बहुत से सियासतदान थे। अगला लफ्ज है आला तालीम यानी यूनिवर्सिटी की तालीम। जुमलों की मिसालें देखिए। कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद इरशाद आला तालीम के लिए फ्रांस जाएगा। अब्बा जान ने जारा की आला तालीम के लिए बहुत से पैसे खर्च किए। आला तालीम मुकम्मल करने के बावजूद
शहनाज बेरोजगार है। अब एक आखिरी लफ्ज है, लगन। क्या आप उसका मतलब बता सकते हैं? लगन यानी के शौक या मोहब्बत। बच्चों आइए अब लफ्ज लगन से जुमला बनाते हैं। इंसान को अपना हर काम मेहनत और लगन से करना चाहिए। बच्चे अगर लगन से पढ़ाई करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। लगन से किया गया काम हमेशा अच्छा होता है। प्यारे बच्चों, इस सबक में हमने जो अल्फाज सीखे हैं वो हैं मुजस्समा, सुरमई, फुर्सत, वजीर आजम, तालिब इल्म, बड़े ओहदे पर फाइज होना, सियासतदान, आला तालीम और लगन। बच्चों आपने देखा कि हमने इन लफ्जों का इस्तेमाल जुमलों में कैसे किया। आप भी इन लफ्जों से एक एक जुमला बनाने की कोशिश कीजिए। खुदा हाफिज़।